मैं हूं निलेश और पॉलीटेक हब में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में। इसमें हम सीखेंगे कि सी के कौन कौन से वर्जन आए और कब आए और किनके द्वारा ये डेवलप किया गया, ये तीनों चीज़ हम सीखेंगे। क्योंकि अब से जो हमारा जो है स्पेशली सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गया, यानी इंट्रोडक्शन टू सी स्टार्ट हो गया। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ उसके बारे में। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखा था हम लोगों ने कि ओरिजिन ऑफ सी, मतलब सी का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर हम लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है कैसे कैसे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, कब आया, इन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था। तो आज हम स्पेशली सी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा सी प्रोग्रामिंग का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो सी प्रोग्रामिंग हमने बताया था, कल भी मैंने वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि सी प्रोग्रामिंग जो है डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। कब किया गया था, वो 1972 में। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल सी, क्योंकि सबसे पहला जो सी प्रोग्रामिंग था वो यही था, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसके बाद यानी कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ डेवलपमेंट होने के बाद, कुछ सॉफ्टवेयर आप देखते होंगे, कुछ डेवलपमेंट होता है उसमें कुछ कमियां रह जाती है। तो आप क्या देखते हैं कि नया उसका वर्जन या अपडेटेड वर्जन उसका डेवलप किया जाता है। उसी तरह से सी प्रोग्रामिंग में भी क्या था, कुछ कमियां थी जिसके कारण, और ये जो था ना सी प्रोग्रामिंग, इसमें बहुत सारी कमियाँ जिसके कारण फिर क्या हुआ, उसमें कुछ अपडेशन करके जो नया सी का वर्जन है, जो किसको बोलते हैं के एंड आर सी बोलते हैं, वो 1978 में उसको डेवलप किया गया। इसको डेवलप करने वाले कौन थे, कनिंघम एंड रिची, यानी डेनिस रिची, यानी आप ये दोनों मिलके इन्होंने क्या किया था, इस सी को अपग्रेड करके के एंड आर सी उनके नाम पर रखा गया था। जो अगला वर्जन है सी का वो है एनसीसी। क्या नाम है, अनसी। अनसी मतलब, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अनसी का मतलब क्या है। अनसी का मतलब है, ये फुल फॉर्म एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें हम देखते हैं क्या इसका फुल फॉर्म है, ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसका क्या नाम है फुल फॉर्म, इसका नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कमेटी है। तो इनके द्वारा जो है ट्रेडिशनल सी, आर जो सी अपडेटेड सी जो था उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। क्योंकि सी जब डेवलप हुआ था ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे सब अपने तरीके से क्या कर रहे थे, वहाँ पे अपडेशन कर रहे थे। जिसके कारण क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो डेवलपर थे, जो मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाले डेवलपर थे, जो प्रोग्राम लिखने वाले डेवलपर थे, उनको प्रॉब्लम होती थी। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को बंद करने के लिए, शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने के लिए, जो अनसी है यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है, वो क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एक टीम गठित किया। उस टीम में क्या किया कि वो उस टीम में इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया, जो कि 1989 में हुआ था। कब हुआ था, 1989 में, और किनके द्वारा हुआ था, ये अनसी कमेटी के द्वारा हुआ था। यानी यहाँ से जो है, जो सी हम पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड सी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड सी। और ये जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है सबके लिए कॉमन कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया गया। अगला जो वर्जन है वो है अनसी ISO-C। अब इसका क्या नाम है, देखिए ये जो अनसी ISO भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कारण क्या किया, अनसी सी में जो है कुछ और अपडेशन करके उसको अनसी के द्वारा तो पहले अप्रूव कर दिया गया था, फिर जो है ISO, है ना, ISO भी क्या किया, उसको अप्रूव किया, यानी दोनों मिलके फिर उसका नाम पड़ गया अनसी ISO-C, मतलब जिसका कि डेवलपमेंट 1990 में हुआ। इसको ये जो हुआ डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं ISO कमिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसके द्वारा हुआ, ISO कमिटी। ध्यान रखना है कब हुआ था, 1990 में। तो सबसे जो है उसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ते हैं C99। क्या पढ़ते हैं, अगला जो वर्जन है वो क्या है, C99। ये क्या है, ये उसी में थोड़ा सा अपग्रेड करके, यानी कुछ फीचर्स जो है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऐड करके उसको फिर से जो रिलीज़ किया गया वो है कब, 1990 में। और इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी 1999, ये। और इस, ये जो है किसके द्वारा हुआ था, स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, 1999 में हुआ था। चूँकि ये सी प्रोग्रामिंग है इसीलिए इसका नाम दे दिया गया C99, क्योंकि ये जो 99 ईयर को डिनोट करता है। तो ये तो था हमारा
वर्जन्स ऑफ सी लैंग्वेज, यानी जो जो सी के वर्जन्स हैं, वेरिएंट हैं, उसके बारे में। तो अब हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी। क्या सीखेंगे? इंट्रोडक्शन टू सी, जिसमें हम सीखेंगे एडवांटेजेस एवं डिसएडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। जो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972 एट बेस्ट लैब USA। यानी ये जो डेवलप किया गया था 1972 में किया गया था, और किनके द्वारा किया गया था? ये डेनिस रिची के द्वारा किया गया था, और कहाँ किया गया था? बेल्स लैब USA में किया गया था। ये बेल्स लेबोरेटरी है जो कि USA में है, वहाँ पे किया गया था। तो अगला जो पॉइंट है वो है सपोर्ट्स बिल्ट इन डेटा टाइप सच एज इंट, कैर, फ्लॉट, डबल। यानी इससे पहले जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने डिस्कस किया था, जैसे बी हो गया, BCPL हो गया, इस सब में मैंने डिस्कस किया था कि इसमें बहुत सारे डेटा टाइप नहीं थे, मतलब किसी में ए किसी में वो भी नहीं था। इसी कारण मैंने डिस्कस किया था कि अब किस डाटा को कितना मेमोरी चाहिए, किस डाटा को कहाँ स्टोर करना है, उसके लिए किस टाइप का ये वेरिएबल चाहिए, ये सब उसमें प्रॉब्लम था। तो ये चीज़ जो है आपको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार? ये सब पहली बार जो है सी प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस किया गया। इसीलिए कहते हैं कि सपोर्ट्स बिल्ट इन डेटा टाइप सच एज इंट, कैर, फ्लोट, डबल। बस ये इसका हम प्रॉपर डिस्कशन अगले अपकमिंग वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ के लिए बस इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो बस इतना ही हम अभी रखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सपोर्ट्स, इट सपोर्ट्स यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अभी मैंने बोला था बिल्ट इन के बारे में। ये क्या है बिल्ट इन? मतलब ये जो सी प्रोग्रामिंग पहले से हमें क्या देता है? इन टाइप का डेटा टाइप देता है, कैर देता है, प्लॉट है, जो पहले से डिफाइन किया गया है, हमें बस यूज़ करना है। लेकिन इसमें एक और भी फैसिलिटी है कि इस इंडिविजुअल डेटा टाइप का यूज़ करके हम अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि सी सपोर्ट्स यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यानी ऐसा डेटा टाइप जो यूज़र अपने हिसाब से क्या कर सकता है, उसको डिफाइन करता है, जैसे एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। तो अगला पॉइंट देखते हैं, सी इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड मतलब होता है कि फंक्शन। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? फंक्शन। मतलब सी हमें ऐसा फैसिलिटी देता है कि हम किसी भी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में क्या कर सकते हैं, उसको बांट के उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या है कि यदि हम कहीं भी प्रॉब्लम, यदि प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आती है, तो हम उसको जाके उस लोकेशन पे जाके, उस ब्लॉक में जाके, उस फंक्शन में जाके क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि सी इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग प्रोग्राम को इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल के फॉर्म में क्या करते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अगला पॉइंट है सपोर्ट्स लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड रिकर्सन। मैंने रिकर्सन के बारे में डिस्कस किया था कि ये पहली बार जो है आपका बी लैंग्वेज में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। लेकिन ये जो लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये क्या है? लोकल वेरिएबल ऐसा है जो किसी पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं, ऐसा वेरिएबल जो किसी पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही काम करता है, उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और कुछ ऐसा फंक्शन, ऐसा वेरिएबल है जो उस थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब उस पूरे प्रोग्राम में काम कर सकता है, एक्सेस कर सकते हैं उसको कहीं भी उस पूरे प्रोग्राम में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ये जो पहली बार जो कंसेप्ट है वो आया था कहाँ पे? ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर आया था। तो हम अगला पॉइंट देखते हैं, ये एक्सट्रीमली, हाँ, सबसे एक चीज़ देखिए कि सी प्रोग्रामिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था कि ये जो अभी तक जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप नाम सुने होंगे या सुनेंगे फ्यूचर में, सबसे ज़्यादा फास्ट यही है। कौन है? सी प्रोग्रामिंग। इसी कारण से जो है आप देखे होंगे, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन, जितने भी नए लैंग्वेजेज हैं, पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, जितने भी हैं, तो उसके जो कंपाइलर होते हैं, कंपाइलर मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कंपाइलर क्या होता है, तो उसके जो कंपाइलर होते हैं वो सी से ही बनाए जाते हैं, सी लैंग्वेज के यूज से ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज जो है फास्ट है, और सिंपल सी बात है, कंपाइलेशन जिसका जितना ज़्यादा फास्ट होगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतना फास्ट होगा। तो इसी पर्पज़ से जो है सी हमारा जो है ज़्यादा, मतलब ये फेमस हो गया,
अपने टाइम का ये सबसे ज़्यादा फेमस लैंग्वेज था। अभी भी यह है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा रहता है, क्योंकि इसका यूज़ अभी भी जो है उतना ही हो रहा है जितना पहले होता था। और अभी भी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गए, पाइथन है, उनको ये टक्कर देता है, क्योंकि ये टॉप 3 में हमेशा आता है। तो ये सब चीज़ पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस किया सी प्रोग्रामिंग के बारे में। लेकिन कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग जो है, मैंने बताया था कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एक चीज़ कि ये कुछ फीचर्स जो है मशीन लेवल का भी रखता है। क्या रखता है? मशीन लेवल का भी कुछ फीचर्स को ये रखता है, इसलिए इसको कभी कभी हम क्या कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये भी नोट कर लीजिए। इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास यानी ये तो सी प्रोग्रामिंग तो ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज है ही, मैंने डिस्कस भी किया है, लेकिन ये कुछ फीचर्स रखता है किसका, मशीन लेवल लैंग्वेज का भी रखता है, यानी हाई लेवल एज वेल एज मशीन लेवल लैंग्वेज। इसीलिए इसको हम कहते हैं, क्योंकि दोनों का मिक्सअप है, इसीलिए इसको हम कभी कभी क्या कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो ये सब तो था इम्पोर्टेंस इसका, यानी क्यों हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, है ना। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में, कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है इसका, वो है आपका सी गिव्स इम्पोर्टेंस टू द प्रोसीजर और फंक्शन। मतलब क्या है? मैंने बताया कि फंक्शन क्या होता है, एक सेट ऑफ ब्लॉक है, यानी जो किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, पार्टिकुलर चीज़ को एक्सिक्यूट करता है, वो पार्टिकुलर पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं हम, वो फंक्शन है, सेट ऑफ कोड है ना। तो ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है? फंक्शन को देता है ना कि, और ये इंपॉर्टेंस किसको नहीं देता है? ये डेटा को नहीं है, डेटा जो हम यूज़ करते हैं उसमें वेरिएबल यूज़ करते हैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ये इंपॉर्टेंस किसको देता है? ये फंक्शंस को देता है इंपॉर्टेंस, है ना। तो ये पहला इंपोर्ट इसका जो है ड्रॉबैक है, या कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। जो दूसरा है वो है सी डज नॉट प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी। मैंने पहले ही बोला कि ये केवल फंक्शन पे फोकस करता है, यानी ये डेटा सिक्योरिटी मतलब डेटा को सिक्योर कर कैसे रखें हम, इसके बारे में सी प्रोग्रामिंग में ये कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेथड नहीं है। तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज माना जाता है। और अगला जो है, इट डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड इनकैप्सुलेशन। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने डिस्कस भी कुछ देर पहले किया था कि सी प्रोग्रामिंग अभी भी जो है टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है, अभी भी टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि इसलिए भी है जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी भी, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, उसके जो कंपाइलर्स हैं, कंपाइलर जितने भी हैं सब किस में कोडिंग किए गए हैं, वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही कोडिंग किए गए हैं। इवन अभी तक जितना भी, अब अभी आपने देखा था इस लॉकडाउन में क्या प्रॉब्लम हुआ था कि मेडिकल डिवाइसेस का जो डिमांड बढ़ गया था, क्या हुआ था, मेडिकल डिवाइसेस का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आपको बता देता हूँ मैं कि मेडिकल डिवाइस में जो ड्राइवर्स यूज होते हैं, उसके जो सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, वो सी प्रोग्रामिंग से ही बनते हैं। तो इसलिए भी जो है इसका डिमांड मेडिकल की दुनिया में भी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। यानी देखा जाए जितने भी ड्राइवर्स मैक्सिमम आप देखते हैं, ड्राइवर देखिए, जितने भी कंपाइलर्स आप देखते हैं, मैक्सिमम कंपाइलर को क्या किया जाता है, इसी में जो है कोडिंग किया जाता है। तो ये सब चीज़ थे जो कि मैंने बताया कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब क्या है, ये सब जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप आगे पढ़ेंगे उसका ये फीचर्स है। मतलब इतना इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी ये फीचर्स को अभी तक इसमें ऐड नहीं किया गया है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं बोला जाता है इसको। तो मतलब ये कि इतने चीज़ होने के बाद भी अभी भी कम से कम ऐड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐड नहीं है। जो फीचर्स कौन देता है, ये फीचर्स आपको सी प्लस प्लस देगा, जावा देगा, पाइथन देगा, लेकिन ये सी नहीं देता है। तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है जो इसके कारण थोड़ा सा अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैग करता है। तो ये सब हमारे थे एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपको आंसर बता देता हूं, क्योंकि अक्सर डिप्लोमा में क्वेश्चन पूछे आते हैं और इतना बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि मैक्सिमम बच्चे तो गलत आंसर दे के चले आते हैं। तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छे से सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सी,
उसमें ऑप्शंस होते हैं आपको हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं उसमें। तो अब क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने अभी क्या बताया, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला। अब बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाएंगे, सर ये तो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। अब वो क्या करेंगे, वो जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज टिक लगा के आ जाएंगे। लेकिन ये तभी वही करेंगे जो वीडियो कंटिन्यूस नहीं देख रहे हैं, जो वीडियो शुरू से देख रहे हैं वो जो है इसको गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि यदि आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस दिया हुआ है ये कि हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और भी कुछ ऑप्शन दिया है या नन ऑफ दीज कुछ भी दिया है, तो हमेशा आपको जो प्रायोरिटी देना है सबसे ज़्यादा वो देना है हाई लेवल लैंग्वेज को। मतलब सिंपल सी बात, सी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और चूंकि ये कुछ फीचर्स को रखता है, किसका, लो लैंग्वेज के कुछ फीचर्स को रखता है, पूरे फीचर्स को नहीं रखता है, कुछ फीचर्स को रखता है, इसीलिए कभी कभी बोलते हैं उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज। लेकिन रियल में ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और यदि क्वेश्चन में यदि हाई लेवल लैंग्वेज ऑप्शन में नहीं हो, तब आपको मिडिल लेवल लैंग्वेज यूज करना है। क्या यूज करना है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन अक्सर डिप्लोमा में पूछा ही जाता है, तो इसलिए आप इसको कंसर्स होके जब भी ये क्वेश्चन आए तो अच्छे से आंसर देना है। तो अगले वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में जो है अब हम प्रॉपर जो है सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, है ना, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यानी कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग ऐसे कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक मैंने जितना भी डिस्कस किया है, जितने भी वीडियोस में मैंने जो भी डिस्कस किया है, यदि आपको किसी वीडियो में कोई भी चीज़ का, यदि किसी भी टॉपिक में डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसका मैं ज़रूर आंसर दूंगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, मैंने बताया भी था कि हम सी के बारे में, सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।